और रांची के बहुत प्रतीक्षित फ्लाईओवर का काम शुरू हो चुका है। दिल्ली की कंपनी को एनएचआई की ओर से यह काम सौंपा गया है और 30 महीने में यह तय किया गया कि 30 महीने का लक्ष्य मिलेगा इस फ्लाईओवर के निर्माण का। रातू रोड पर जो बन रहा है तो यहां पर 30 महीने में यह तैयार हो जाना है, यही टारगेट दिया गया इस कंपनी को। तो यहां का जायजा लिया है हमारे सहयोगी शहनवाज ने कि किस तरीके से काम की शुरुआत हो रही है यहां पर। से इंतजार था कि रांची में कांटा टोली फ्लाईओवर कब बनता है, कब उसका काम शुरू होता है और कब रातू रोड एलिवेटेड फ्लाईओवर यानी जो ये बहुत बहुप्रतीक्षित योजना है इसका काम भी अब शुरू हो चुका है। केसीसी के लोगों ने मोर्चा संभाल लिया है, आप देख सकते हैं एक साथ कई स्थानों पर खुदाई शुरू कर दी गई है और इसके बाद ये मिट्टी की जांच होगी। मिट्टी की जांच के बाद इसी स्थान पर बाकायदा पिलरिंग का काम शुरू हो जाएगा। आ सकते हैं कि 30 महीने में हैंडओवर करना है। इसके साथ ही साथ जो एक सीरम टोली से राजेंद्र चौक का फ्लाईओवर है उसको तो 20-22 महीनों में ही हैंडओवर होना है। हमारे साथ नवीन कुमार जी हैं। नवीन कुमार जी, आप केसीसी के सुपरवाइजर हैं, ये क्या काम हो रहा है, किसके तरफ? अभी केसीसी एनएचआई ने करवा रही है इसको और इसका सोयल टेस्टिंग का काम शुरू हो रहा है। केसीसी कंपनी का मिला हुआ है और हमें भी काम मिला हुआ है। एक्सप्लोर इंजीनियरिंग हमारी कंपनी है। कोई परेशानी हो रही है क्योंकि जाम बहुत रहता है? ट्रैफिक तो है ही लेकिन इसी में कर रहे हैं अब। हाँ, इससे पहले आप लोगों ने कहाँ कहाँ का ऐसे? हमने बहुत सारे फ्लावर दिल्ली में बनाया है, आपको नासिक में बनाया है, लुधियाना में बनाया है, बहुत सारे फ्लाईओवर का हमने प्रोजेक्ट किया है। ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार जो काम लगा है ये अंजाम तक पहुंचे। कैमरामैन कुणाल के साथ मैं शहनवाज अख्तर, न्यूज 11 भारत रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।